डियर व्यूअर्स, आज हम लोग देख रहे हैं डिजिटल सर्किट सब्जेक्ट का गेट 2016 सेट 2 में पूछे गए सवाल का वीडियो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अज्यूम दैट ऑल द डिजिटल सर्किट्स, ऑल द डिजिटल गेट्स इन द सर्किट शोन इन द फिगर आर आइडियल। आइडियल का मतलब होता है उनकी स्पेसिफिक कंडीशन कोई नहीं दे रखी है, जैसे डीले या फिर टाइमिंग की कोई वैल्यू वो अपने पास अवेलेबल नहीं है, आइडियल है। ठीक, द रजिस्टर R इज इक्वल टू 10 किलो, R की वैल्यू अपने पास 10 किलो ओम दे रखी है। ठीक है, द सप्लाई वोल्टेज इज 5 वोल्टेज, ठीक है 5 वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है। द डी फ्लिप फ्लॉप्स D1 D2 D3 D4 D5 आर इनिशियलाइज्ड विद दिस वैल्यू 01 01 0 रेस्पेक्टिवली, द क्लॉक हैज 30% ड्यूटी साइकिल। ठीक है, पूछा उन्होंने एवरेज पावर डिसिपेटेड इन मिलीवाट इन द रजिस्टर, तो रजिस्टर में क्या सप्लाई आ रही है वो पहले तो वो चेक करो, यानी इस और गेट का आउटपुट आ रहा है, और गेट का आउटपुट कब 1 होगा कब 0 होगा ये अपने को इनकी वैल्यू से पता चलेगा। ठीक, तो मुझे ये चेक करना उनकी एवरेज पावर पूछी है एक साइकिल में, तो अपन एक साइकिल तब मानते हैं जब ये वापस अपने आप को रिपीट करे। अब इसमें ये थोड़ा ध्यान देना, ये D1 D2 D3 D4 D5 एक साथ इनिशियलाइज हो रहे हैं, सिंक्रोनियस सर्किट है यानी सिंक्रोनियस क्लॉक पल्स से रन हो रहे हैं। फिर D3 और D5 ये इन दोनों का ऑपरेशन और का हो रहा है। ठीक है, और ये भी है, इसको अपन बोलते हैं रिंग काउंटर ऐसे वाला सर्किट को, क्योंकि ये D5 वापस कनेक्टेड है D1 से। ठीक, तो इसके लिए एक सिंपल रहता है कि आप इसकी टेबल बना दें और फिर इसको सॉल्व करें। केवल मैं आपको सर्किट दिखे उतना रख रहा हूँ, फिर आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, अब मैं इनिशियल करता हूँ शुरुआत, सपोज T1 D2 D3 D4 एंड D5। इनिशियली उन्होंने क्या दे रखा है वो क्वेश्चन देख लेते हैं, 01 01 0 अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये एक तरह का रिंग काउंटर है। ठीक, रिंग काउंटर में क्या हो रहा है आप खुद ही देखो, D1 का आउटपुट D2 में जा रहा है, D2 का आउटपुट D3 में मतलब उसके इनपुट में, D3 का आउटपुट D4 और D4 का D5 वापस D1 में। तो जब आप इसकी टेबल जनरेट करेंगे तो कैसा होना बनेगा, ऑब्वियसली देखो D1 कहाँ जा रहा है, D2 में, तो यहाँ से शुरू करो, D4 D5 में जा रहा है तो 1 ये 0 ये 1 ये 0, D1 में क्या आ रहा है D5 वापस घूम। ठीक, अब मेरे को इस तरह से बनानी है जब तक कि वापस से मेरे पास ये ना आ जाए, उसको मैं एक साइकिल बोलता हूँ 00101, यानी वापस यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और ये वाला 1 वापस। सिमिलरली 1 0 0 1 और ये वाला 0 वापस, फिर मैं चेक करता हूँ तो 0 0 ये 0 0 1 0 एंड 1, फाइनली 0 1 0 1 एंड 0, ये वाला और फर्स्ट स्टेज सेम है 0 1 0 1 0। तो कितनी साइकिल आई आप ये चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, यानी 5 अपने पास स्टेजेस है। अब मेरे को ये चेक करना है क्योंकि मेरे को एवरेज पावर निकालना है, तो मेरे को एक साइकिल पूरी चाहिए, तो D3 और D5 का आउटपुट और गेट से जुड़े हुए, तो D3 और D5 का आउटपुट यानी और गेट का जो आउटपुट है वो कब जाके बन हो रहा है वो चेक करता है, क्योंकि मुझे फाइनली 10 किलो वहीं से जुड़ा है वहीं से पावर मिलेगी, तो D3 और D5 का और ऑपरेशन करना है मुझे। ठीक, 0 0 दोनों 0 आउटपुट 0, दोनों ही 1 आउटपुट 1, 0 0 अगेन 0, दोनों में से कोई भी एक 1 आउटपुट 1। तो केवल 3 टाइम पीरियड ऐसे थे जहाँ पे मुझे ये 1 मिला, बाकी तो मुझे हर बार चेंज होना पड़ेगा क्योंकि 0 1 0 1 वापस वो स्टेज आई। तो यहाँ तक कि मैं पावर कैलकुलेट करने के लिए साइकिल काम करूँ, तो कितनी क्लॉक पल्स आ गई, 1 2 3 4 एंड 5, आउट ऑफ 5 ओनली 3 हैव द हायर वैल्यू, यानी 5 वोल्टेज अगर मैं इसको मानूँ तो यहाँ पे केवल 3 टाइम साइकिल ऐसी है या 3 टाइम ड्यूरेशन ऐसी है जहाँ पे आउटपुट वैल्यू 5 वोल्ट है। तो वो मैं चेक करता हूँ कि पावर जो है वो क्या होती है, दैट इज सिंपली वी स्क्वायर बाई आर, वॉट इज वी 5 वोल्टेज। ठीक, और आर कितना है 10 किलो, तो 10 × 10⁻³। अच्छा ये कब होता अगर आप सिंपल वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर देखते, तो 25/10। ठीक है, उन्होंने पूछा मिली वॉट में भी, तो ये तब होता है जब अपने पास थ्रू आउट 1 मिलता। कैसे, पहले मैं 0 मिला
फिर मैं वन लिखूंगा इसको, मैं और गेट की साइकिल बना रहा हूँ, आप ये देखना और वाले कॉलम की साइकिल बना रहा हूँ। तो जीरो वन, देन आपको जीरो मिला, देन आपको दो बार वन मिला, फिर जीरो, तो वन वन एंड वन, यहाँ पे वन वन है, बाकी सब जगह जीरो जीरो। तो यानी इन पांच साइकिल में से तीन साइकिल पे वन है, तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मैं ये करूंगा थ्री टाइम पे तो वन था आउट ऑफ फाइव, तो टाइम से टाइम तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व करो, फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव, देन फाइव टू जै टेन, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, और ये टेन टू पावर थ्री ऊपर जाके माइनस थ्री हो जाएगा, तो 1.5 मिली वॉट, ये इसका आंसर है, 1.5 मिली वॉट आप इसको लिख सकते हैं सही आंसर। तो कैसा है ये पता लगना चाहिए, एवरेज पावर पूछा था इसलिए मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि आउट ऑफ फाइव टाइम पीरियड ओनली थ्री टाइम पीरियड हैव द वैल्यू इज इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन है, अ 4:1 मल्टीप्लेक्सर इज टू बी यूज फॉर जनरेटिंग द आउटपुट कैरी ऑफ अ फुल एडर, ठीक है, ए एंड बी आर द बिट्स टू बी एडेड वाइल सी इन इज द इनपुट कैरी एंड सी आउट इज द आउटपुट कैरी, ठीक है। देखो इसमें क्या दे रखा है, ए और बी तो इनपुट उन्होंने दे ही दिए, ए एंड बी आर द बिट्स टू बी एडेड, ठीक है क्या ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूज आ रहा है, तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर में टू सेलेक्शन लाइन्स होगी, ठीक है टू सेलेक्शन लाइन्स होगी। अब ये काम कर रहा है सी आउट को जनरेट करने का, इसका मतलब फुल एडर का सर्किट अपने को पता होना चाहिए, और फिर ए और बी को उसमें ऐड करते हैं, यानी ए बी और फिर कैरी इनपुट, और सी आउट जो है वो कैसे काम करेगी, तो इन्होंने दे ही दिया यहाँ पे इज द आउटपुट कैरी, ए एंड बी आर टू बी यूज टू एज द सेलेक्ट बिट्स, तो ए और बी तो इनपुट्स यहाँ पे दे दिए सीधे सीधे। अब जो सी इनपुट है वो इनमें से कोई एक होना चाहिए, बी टू बी एज द सेलेक्ट बिट्स विथ ए बीइंग द मोर सिग्निफिकेंट सेलेक्ट, यानी ए तो अपने पास एम एस बी हो गया, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द चॉइसेस ऑफ द सिग्नल्स टू बी कनेक्टेड टू द इनपुट्स आई नॉट आई वन आई टू एंड आई थ्री, यानी आई नॉट को किससे कनेक्ट करना, आई वन को किससे, आई टू को और आई थ्री को, इनकी डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या कनेक्शन होंगे वो अपने को चेक करना। तो पहले तो ये अपने को फुल एडर वाला सर्किट ध्यान में होना चाहिए, उसको देख लेते हैं फिर इनकी तरफ चल देंगे। देखो फुल एडर जब आप करना हो तो तीन इनपुट है ही अपने पास सिंपल, तो आप सिंपल लिख दीजिए ए बी और सी, इसको बोलते हैं सी इन, तो कैरी इन आता है। फुल एडर का मतलब ये होता है कि दो कैरी के बाद में जैसे आपने दो बिट्स लिए जीरो जीरो, अब इसमें जो तीसरी कैरी बिट है अगर वो जनरेट होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। तो जीरो 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 देने पर सम और कैरी के दो कॉलम बन जाएंगे, जब तीनों का जीरो तो कैरी जीरो। अब मैं जीरो जीरो वन दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सम तो वन मिलेगा लेकिन कैरी नहीं मिलेगी, जीरो वन जीरो सम वन कैरी जीरो, जीरो वन वन टू के बाद में थ्री सम जीरो कैरी वन, वन जीरो जीरो सम वन कैरी जीरो, फाइव के लिए क्या मिलेगा सम जीरो कैरी वन, वन वन जीरो अगेन सम जीरो कैरी वन, ट्रिपल वन सम वन एंड कैरी, ये अपने पास सम और कैरी के वैल्यूज आ गई। अब सम और कैरीज का अलग अलग अगर मेरे को सर्किट बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, देखो इन्होंने सी आउट के लिए पूछा है तो मैं सी आउट के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा, लेकिन जब फुल एडर की बात चल रही है तो पता लगना चाहिए, वन वन ठीक, देन वन और वापस वन। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है कि जब इस तरह का इसका सर्किट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, इस तरह से जहाँ जहाँ पे वन है उन उनका अपने को ए बी सी की टर्म्स को ऐड करके एक फंक्शन बना देना। तो जब सम का फंक्शन बनाते हैं तो सिंपली ए बार ए बी एंड सी का एक्सोरिंग ऑपरेशन, कैसे पता चलता है, जहाँ जहाँ पे नंबर ऑफ वंस ऑड हो वो आपको अगर वहाँ वहाँ पे वन मिलता है तो वो वाला टेबल जो होता है वो एक्सोर ऑपरेशन का होता है। तो जहाँ जहाँ पे आपको वन मिल रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस इनपुट के वन ही है, ठीक है ऑड ही है, यहाँ पे भी वन मिल रहा है तो नंबर ऑफ वंस कितना है इनपुट में, तो एक यानी ऑड, यहाँ पे भी तीन मिल रहा है और आउटपुट वन आ रहा है सम का, यानी नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो ये वाला जो सम का है ऑपरेशन वो ए एक्सोर बी एक्सोर सी होगा। कैरी में क्या होता है तो देखो कैरी के लिए कौन कौन सी मिन टर्म्स आती है वो देख लेते हैं, तो ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। तो जब भी आप फुल एडर की कैरी की ऑपरेशन की बात करेंगे तो आप सीधा लिख सकते हैं इट इज़ नथिंग बट समेशन ऑफ थ्री फाइव सिक्स एंड सेवन, बस
अब 3567 को अपने को KMAP से भी सॉल्व कर सकते हैं इसका, अगर मुझे बनाना हो कोई फंक्शन तो। और मुझे ये पूछा है कि आई नॉट, आई वन, आई टू, आई थ्री में से क्या क्या कनेक्शन होंगे। तो ठीक है, ए और बी उसने एम एस भी दे ही रखी है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास तीन इनपुट है, ए एम एस बी है और सी इन, इस तरह से ले सकते हो कि मुझे सी इन सेलेक्ट करना है कौन सा होगा। ये 00, 01, 11 एंड 10, ये 0 एंड। अब देखो 000 पे क्या पे है, 0 ही है, तो उसको 0 पुटअप करो। ठीक, ये सिंपल के मैप तो है। 011 तो 01 एंड 1 यानी यहाँ पे 1, देन 567 पे तो 101 ये 5, 6 यानी 110 और 7 यानी 11 यानी इन इन पे अपने पास 11। अब जब इस तरह की बात हो तो जब कैसे पता चलेगा कि ये कौन से वाली बिट को इसमें अपने को ऐड करना है, तो पहले तो ये चेक करो 11 कहाँ पर है। तो इनका एक ग्रुप बन सकता है, यानी एक तो ये बना, फिर ये बना और फिर ये बना, लेकिन मुझे ग्रुपिंग करके फंक्शन नहीं निकालना, मुझे ये निकालना सी एन की वैल्यू क्या रहेगी। तो देखो इन 00 पे जहाँ पे भी ये वाला कॉलम है, तो यहाँ पे मुझे सिलेक्शन के लिए 0 लिखना पड़ता। अगर मुझे 11 मिलता है तो मुझे सिंपल 1 लिख देना है उसको, यानी यहाँ पे मुझे 1। अब मेरे को जहाँ पे 1 केवल सिंगल मिल रहा है उसकी वैल्यू लिख देनी है, तो यानी सी इन पे मुझे क्या मिल रहा है, 1 केवल यहाँ पे, तो मैं इसको लिखूंगा सी इन, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी इन, यानी इन इन की वैल्यू पे अपने पास 1 है। अब मुझे ए और बी की पता करनी है कि ए और बी की वैल्यूज पे अपने को क्या मिला। ठीक, तो ए बार बी और सी इन ये अपने को मिले, लेकिन मुझे पता तो ये करना था कि सी इन की वैल्यू आई नॉट, आई वन, आई टू, आई थ्री में से क्या होगी। ठीक, तो जब मैं आई 00 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ आई नॉट इस 4x1 मल्टीप्लेक्सर से 01 करने पर मुझे पास आई वन आता है, इसको मैं आई थ्री लिखता हूँ और इसको आई टू। तो यानी जब आप सिंपल सिंगल वन जहाँ पर भी होगा वहाँ पे अगर मेरे को चेक करना हो तो मैं लिखूंगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा कॉरस्पॉन्डिंग, दैट इज आई इन, सॉरी आई वन, सॉरी इसको लिखूंगा आई वन, और जब मेरे को इसको लिखना हो तो मैं इसको तो 1 ही लिखूंगा, यानी आई थ्री पे मेरे को मिला है 1, आई टू पे मिला है सी इन, और आई नॉट पे मिला है मेरे को 0। बस ये मेरे पास रिजल्ट आ गए। अगर मैं इसको देखना चाहूँ ऑप्शन में मेरे पास ये कहीं मिलता है, तो कहीं अगर आपको ये मिलते हो, आई नॉट को सी 0 से कनेक्ट करना है, तो आई नॉट को 0 से कनेक्ट करना है तो ए बी और ए सी और डी ऑप्शन है, आई वन सी इन से कनेक्टेड है तो आई वन सी इन से कनेक्टेड ए में भी है, बी में भी और डी में भी, तो अगेन अभी तक कन्फ्यूजन है, तो बी वाला तो ऑप्शन चला गया अपने पास। ठीक है, और आई वन एक्चुअली सी इन से कनेक्टेड था, तो आई वन ये 0 से कनेक्ट करना है तो ये भी चला गया। अब ए और डी में से तो आई थ्री 1 कहाँ पे कनेक्टेड है, आई थ्री में 1 केवल इसमें कनेक्टेड है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई टू सी इन से कनेक्टेड है तो आई टू सी इन ये वाला, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें अपने को मैच पता चल रहा है कि आई नॉट, आई वन, आई टू थ्रू किससे कनेक्ट करना था। तो जब इस तरह का ऑपरेशन आया तो अब अपने को दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे मल्टीप्लेक्सर के थ्रू उसने जनरेट किया तो मल्टीप्लेक्सर की ऑपरेशन प्लस फुल एडर की ऑपरेशन, और ये वाला कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि अगर इस तरह से एम एस बी हो तो किस तरह से अरेंज करके मुझे अप्रोच करना। राइट, थैंक यू।